बीते लंबे अरसे से पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो डिफॉल्ट ना हो जाए इसको लेकर दुनिया भर से मदद मांग रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी पड़ोसी मुल्क के हालात बदलते नहीं दिख रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से $4 अरब की वित्तीय सहायता की मांग की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के बीच पाकिस्तान डिफॉल्टर देश घोषित ना हो जाए। इसी बीच खबर आई कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदार बातचीत की मांग की है, क्योंकि भारत के साथ 3 युद्धों ने उसकी मुसीबतें और गरीबी बेरोजगारी ही बढ़ाई है। आइए नजर डालते हैं उन बड़े कारणों पर जिनकी वजह से पाकिस्तान को भारत से मदद मांगने को मजबूर होना पड़ा है। पहला कारण, पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। देश डिफॉल्टर घोषित होने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा और बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के बैंकों की हालत खराब है। केंद्रीय बैंक लगभग खाली हो चुके हैं। बैंकों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास केवल $4.2 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास महज 2-3 हफ्ते के आयात लायक ही पैसा बचा है। पाकिस्तान को चालू वित्त वर्ष के अगले 3 महीनों जनवरी से मार्च में दूसरे देशों से लिए कर्जों की अदायगी के रूप में करीब $8.3 अरब चुकाने होंगे। पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को कम कर रहा है। शहबाज सरकार ने 2022-23 के लिए अपने रक्षा बजट को GDP के 2.8% से घटाकर 2.2% तक कर दिया है। साल 2022 की भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान की खेतिहर भूमि को तबाह कर दिया, जिससे बुनियादी ढांचे और फसलों में लगभग $40 बिलियन का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पास अपनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सब्जियां, चावल और गेहूं नहीं है। वो घटते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते आयात भी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।